नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो पे। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक ऐसा मल्टीबैगर शेयर बताएंगे जो आने वाले समय में बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा और आपको मालामाल कर सकता है, और जिसका भाव अभी 37 रुपया है, और आने वाले समय में ये आगे जा सकता है और इसका शेयर का दाम बढ़ सकता है। तो अगर आप उत्सुक है इस स्टॉक का नाम जानने के लिए तो हमारे इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। हम जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं वो है पशुपति एकरालिक। ये आने वाले समय में मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है और ये अपने निवेशकों को मालामाल कर सकता है। अगर आप इसके फंडामेंटल सही से देखें तो ये फंडामेंटल से ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अच्छे रिटर्न दे सकता है। ये जो स्टॉक है वो फिलहाल 37 रुपये पे कारोबार कर रहा है और इसका 52 वीक का हाई है 40 रुपया और 52 वीक का लो है 22 रुपया। इसका मार्केट कैप देखे तो दोस्तों 329 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, और इसका नेटवर्थ देखे तो नेटवर्थ है 316 करोड़, यानी कि वो नेटवर्थ से थोड़ा ही ज़्यादा है उसका मार्केट कैप। और इसका पी देखे तो पी रेशियो है स्टॉक का 12.6, यानी कि 12 या 13 से ऊपर या उसके आजू बाजू जो पी रेशियो है वो स्टॉक सही है। और इसका आर ओ सी देखे तो 17.5 है और आर ओ ई देखे तो 12.1 है, यानी कि आर ओ ई और आर ओ सी दोनों भी सही है। बुक वैल्यू देखे तो 35 रुपया है और शेयर की जो प्राइस है वो 37 रुपया है, यानी कि वो जो स्टॉक है वो अपनी बुक वैल्यू के आजू बाजू ही ट्रेड कर रहा है। अगर ये हमें बुक वैल्यू से थोड़ा कम में मिल जाए तो और अच्छा है। पित्रो स्कोर देखे इसका तो दोस्तों 5 का है, और इसका शेयर होल्डिंग देखे तो 65% खाली प्रमोटर शेयर होल्डिंग है, और इसमें कोई भी प्रमोटर की शेयर होल्डिंग प्लेज नहीं है, यानी कि प्रमोटर ने कोई होल्डिंग गिरवी नहीं रखी हुई है। ग्राहम नंबर देखे तो 39 रुपया है और उसका शेयर का प्राइस 37 रुपया है, यानी कि ये ग्राहम नंबर से कम है, तो वैसे भी ये स्टॉक देखने में अच्छा है। और इंट्रेंसिक वैल्यू देखे तो 55 रुपया है, यानी कि ग्राहम नंबर और इंट्रेंसिक वैल्यू दोनों से ये स्टॉक कम है। जब कोई स्टॉक ग्राहम नंबर और इंट्रेंसिक वैल्यू से कम होता है तो वो स्टॉक अच्छा होता है, और जब कोई स्टॉक ग्राहम नंबर और इंट्रेंसिक वैल्यू से ज़्यादा होता है तो वो स्टॉक महंगा कहलाता है। तो देखा जाए तो ऑल ओवर स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के आजू बाजू है और ग्राहम नंबर और इंट्रेंसिक वैल्यू से भी कम है। कंपनी पे ऊपर डेप्थ देखे तो कंपनी के ऊपर डेप्थ 0-0 है, यानी कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, और इसका कर्जा खाली 13 लाख रुपया है जो कि ना के बराबर है। और कंपनी का जो पीबी रेशियो है वो पीबी रेशियो भी कंपनी का, यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो P1 का है, यानी कि 35 रुपये का शेयर 37 रुपया है, यानी कि उसका रेशियो पीबी रेशियो भी इतना ज़्यादा नहीं है। और कंपनी डिविडेंड फिलहाल नहीं दे रही है, पर कंपनी अभी हाल फिलहाल में उसका जो ग्रोथ है वो अच्छा हो रहा है। हाल ही में 5 साल से उसका 8% जैसा जितना सेल्स ग्रोथ बढ़ा है, तो उसका हाल का नेट प्रॉफिट है 26 करोड़, यानी कि जो अभी मार्च के बाद का जो प्रॉफिट बताता है वो। और करंट रेशियो देखे तो 2.6 का है और क्विक रेशियो देखे तो 0.8 का है। करंट रेशियो हमेशा 1 से नीचे नहीं होना चाहिए, 1 या इससे ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ पर करंट रेशियो 2.6 है तो वो भी सही फिलहाल रेशियो है। और इसकी जो करंट लाइबिलिटी है वो 133 करोड़, करंट दायित्व है उसका 133 करोड़ है, और उसके पास करंट एसेट 301 करोड़ है, तो कंपनी डिफॉल्ट होने का चांस भी बहुत कम है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो इसके सब फंडामेंटलिस्ट जो भी उसके इंडिकेटर है वो स्ट्रोंग है, तो ये स्टॉक हमको आने वाले समय में मल्टीप्लगर रिटर्न देने की क्षमता रखता है। अभी इस स्टॉक के बारे में थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं तो जो शेयर की प्राइस है उसको हम मैक्सिमम पे लाएंगे 10 साल में, तो इसका जो 2021 में इसकी प्राइस 15 रुपये थी, 2000 में इसकी प्राइस 7 रुपये थी, तो देखा जाए तो 2000 में इसका शेयर का दाम बहुत ही कम था, तभी इसको ले लिया होता किसी ने, तो अभी फिलहाल उसको 5 गुना रिटर्न मिल गया होता, यानी उसको 500% जितना रिटर्न मिल गया होता। पर अभी फिलहाल हम जो 3 साल के अंदर देखे तो ये स्टॉक 3 साल में भी देखो 9 रुपये से बढ़ के अभी 37 रुपया जितना हो गया है। तो
तो ए स्टॉक आने वाले समय में मल्टीबैगर रिटर्न देखने देने की संभावना रखता है। अभी एक साल का इसका चार्ट देखे तो एक साल में 22 रुपया ए स्टॉक गिरा था, 28 मई 2023 को इसका भाव 22 रुपया था और तभी उसके बाद जो भी स्टॉक में उछाल आया है उसके बाद स्टॉक नीचे नहीं गिरा है। और इस स्टॉक के जब फंडामेंटल हम देखें तो वो भी सब अच्छे है। उसके बाद हम देख सकते हैं स्टॉक में उछाल ही आया है, एक बार थोड़ा गिरावट आया था, अगर यहाँ पे हमारी बाइंग होती, यहाँ पे हम बाइंग करते तो वो प्रॉफिट रहती। पर अगर इस स्टॉक के ऑल ओवर फंडामेंटल देखें तो बहुत ही बढ़िया है, तो हमको कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा जाए तो 40 रुपया तक स्टॉक गया था और अभी इसमें थोड़ी बहुत गिरावट होती है तो जो स्टॉक खरीदते हैं तो हमको इसमें अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना है, पर लंबे टाइम के लिए, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट्स है वो टेक्सटाइल रिलेटेड है। तो इस पे अगर आपको निवेश करना है तो लंबे टाइम का सोच के आप करेंगे तो उसमें बेनिफिट होगा। अभी आप देख सकते हैं कि मान लो का आपको अपने इन्वेस्ट पे 100 गुना रिटर्न चाहिए, तो अभी आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो कि मान लो इसका नेटवर्थ अभी मार्केट कैप है इसका 329 करोड़। अभी 329 करोड़ को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी इसका मार्केट कैप 30,000 जितना होगा, तो आपका निवेश 100 गुना होगा। जो बड़े स्टॉक होते हैं उसको बढ़ने में देर लगती है, जो छोटे छोटे स्टॉक होते हैं, जो छोटे मार्केट कैप वाले स्टॉक होते हैं, अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और अगर उसका फंडामेंटल अच्छा है तो वो बढ़ने में देर नहीं लगता उसको और वो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। अगर इसकी होल्डिंग की बात करें तो दोस्तों जो शेयर होल्डिंग है उसमें प्रमोटर की जो होल्डिंग है उसमें कमी नहीं आई है। आप इधर देख सकते हो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो लगातार वही है 65%। तो ये जो प्रमोटर है वो उसमें मेन भूमिका प्रमोटर की होती है। अगर प्रमोटर अपनी होल्डिंग कम नहीं कर रहे तो ये स्टॉक में, ये कंपनी में कुछ दम है। और FII की इतनी होल्डिंग नहीं है, 3% इसने FII इधर होल्डिंग की है जून महीने में। तो अभी FIIs इधर इंटर कर रहे हैं यानी कि अभी आने वाले समय में इधर जो FIIs और ज़्यादा इंटर करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, तो ये स्टॉक अच्छा हो सकता है। और FII पहले से ही 0.21% है तो उसने भी अपनी होल्डिंग कम नहीं की है। यहाँ पे रिटेल पब्लिक 33% है तो प्रमोटर होल्डिंग इसमें बहुत ही अच्छी है। तो दोस्तों यहाँ पे हम कंपनी के प्रोडक्ट पे भी थोड़ा नज़र डाल लेते हैं कि ये कंपनी बनाती क्या है। तो ये कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर में है और टेक्सटाइल सेक्टर में वो अपना सब कारोबार कर रही है। तो ये कंपनी एक्रेलिक फाइबर, इधर आप देख सकते हैं एक्रेलिक फाइबर बनाती है, एक्रेलिक टॉप, एक्रेलिक टावल, एक्रेलिक टॉप्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ एक्रेलिक प्रोडक्ट्स, यानी ये टेक्सटाइल के रिलेटेड सब प्रोडक्ट बनाती है। और आपको तो पता ही है कि आने वाले समय में टेक्सटाइल का डिमांड बढ़ने वाला है और टेक्सटाइल का डिमांड तो हमेशा रहता है, क्योंकि हमारे में कहावत है रोटी कपड़ा और मकान, ये तो चाहिए ही चाहिए। तो टेक्सटाइल की जो डिमांड है वो तो लगातार रहने वाली है और ये टेक्सटाइल सेक्टर में अगर ये स्टॉक अच्छी अपनी पकड़ बना के रखता है तो आने वाले समय में इसका ग्रोथ होना सुनिश्चित है। तो ऐसे स्टॉक खरीद के हम अगर इसको कम दाम में खरीद लेंगे तो आने वाले समय में हमको मल्टीबैगर रिटर्न मिल सकता है। लेकिन दोस्तों हम आपको ये सलाह जरूर देंगे कि किसी भी निवेश से पहले खुद से रिसर्च करना जरूरी है। ऐसे ही कोई वीडियो देख के या तो कहीं पे टिप्स सुन के आप निवेश नहीं कीजिए। और अगर आपको किसी फंडामेंटल का पता नहीं चलता तो वो फंडामेंटल जानने के लिए हमें कॉमेंट जरूर कीजिए। तो कमेंट में जो हमको कोई फंडामेंटल के बारे में आपको जानना है तो मैं आपको बता दूंगा। फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल को हमको जानना जरूरी है। जो भी आपको डिस्प्ले पे फंडामेंटल सब दिख रहे हैं, जो भी रेशियो दिख रहे हैं उसको जानना जरूरी है। और ये रेशियो को समझ के निवेश करोगे तो आपका निवेश कभी भी लॉस में नहीं जाएगा और आप प्रॉफिट कमाएंगे।